हेलो ऑल, वेलकम बैक. दिस इज़ विश एकेडमी डॉट कॉम एंड आई एम विनय सिंह. एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक कस्टम जेक्यूरी टैब्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्लग इन. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. यहाँ पर मेरे पास है एक HTML पेज जिसमें DYD रैपर है एंड एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर इंसर्ट की है विच इज़ जेक्यूरी लाइब्रेरी वर्जन 2.2.4. ओके, एंड इसके नीचे हम इंसर्ट करते हैं स्क्रिप्ट टैग. बट स्क्रिप्ट लिखने के पहले हमें चाहिए हमारे टैब्स का स्ट्रक्चर. सो लेट्स गो फॉर द स्ट्रक्चर नाउ. सो स्ट्रक्चर किस तरह रेडी किया जा सकता है इसका? वेल, टैब में क्या होता है, टैब में आप जनरली क्लिक करेंगे कुछ टैब्स पर और उनके अकॉर्डिंग डिव का ट्रांजिशन होगा. तो सबसे पहले आपको चाहिए टैब्स. ओके, सो नेव डॉट लाइक मल्टी टैब्स इसका नाम दे देता हूँ मैं. सो नेव डॉट मल्टी टैब जिसमें होंगे एंकर टैग एंड अभी हम यहाँ पर चार टैग बना लेते हैं. सो चार टैब्स बन चुके हैं. ओके, HREF में आपको लिख देना है जावा स्क्रिप्ट कॉलन वाइड पैरेंथेसिस एंड जीरो. ओके, इससे जब आप एंकर टैग पर क्लिक करेंगे तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो बंद हो जाएगा एंड आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा. ओके, सेव एंड रिफ्रेश. ओके, कुछ टैब नहीं लिखा हमने यहाँ पर. सो दिस इज टैब 01 एंड लाइक दैट टैब 02 एंड सेम लाइक दैट टैब 03 एंड सो ऑन टैब 04. ओके, सो यहाँ पर टैब क्रिएट हो चुके हैं एंड आप चाहे तो इन्हें स्टाइल भी दे सकते हैं. एंड स्टाइल हम दे देंगे लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इनका कंटेंट रेडी कर लेते हैं. सो कमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. कमेंट करना अच्छी बात होती है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कमेंट एवरीथिंग टैब्स फॉर द मल्टी टैब. ओके, एंड देन यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं कंटेंट फॉर मल्टी टैब. नाउ यहाँ पर अब मैं ड्यू इंसर्ट कर रहा हूँ जिसकी क्लास होगी टैब कंटेंट लाइक दैट. ओके, एंड चार टैब है तो मैं यहाँ पर चार टैब कंटेंट भी इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से. ओके, एंड इनमें हम इंसर्ट कर देते हैं, इसमें दो मिनट डिलीट करता हूँ, एक पैराग्राफ एंड पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ मैं, कुछ डमी टेक्स्ट लाइक दिस लॉरेम इप्सम डॉलर सीता मैथ. ओके, एंड इसी के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज टैब कंटेंट 1 स्ट्रॉन्ग में. इट्स ओके. सो जेक्यूरी टैब्स में यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रहा है एंड अब मैं इसके डुप्लीकेट पार्ट कर दूंगा चार इस तरह से. ओके, सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. सो इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए हम इनमें ID प्रोवाइड कर देते हैं लाइक टैब कंटेंट अंडरस्कोर 01 लाइक दैट. या फिर टैब कंटेंट 01 भी कर सकते हैं आप, नो इशू. और या फिर आप कोई कस्टम नाम भी दे सकते हैं लाइक इसका नाम आप होम दे दीजिए, इसका सर्विसेज एंड देन क्लासेज एंड ऑल. ठीक है, मैं दे देता हूँ कंटेंट 01 सिंपल. नाउ बाकी ड्यूज को हम 02, 03 एंड 04 दे देंगे रिस्पेक्टिवली. सो 02 देन 03 एंड सो ऑन 04. ओके, एंड नाउ अब एंकर टैग के अंदर आपको ट्रिगर लगाना है. ओके, लाइक आप टैब 1 पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट 1 अपीयर होना चाहिए, टैब 2 पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट 2 अपीयर होना चाहिए. यही होता है जब हम टैब बनाते हैं तब. सो यहाँ पर हम HTML 5 के डेटा एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे. डेटा हाइफन का यूज़ करके हम कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं लाइक डेटा हाइफन के बाद में कोई भी कस्टम नेम यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ट्रिगर. ओके, सो डेटा ट्रिगर कंटेंट 01 आपको यहाँ पर जो ID में दे रहे हैं कॉपी एंड यहाँ पर इसे करना है पेस्ट. ओके, सो ये ट्रिगर करेगा कंटेंट 1 को एंड लाइक दैट डेटा ट्रिगर कंटेंट 02. सो ये ट्रिगर करेगा इस कंटेंट 02 को एंड लाइक दैट कंटेंट 03 एंड सो ऑन कंटेंट 04. ओके, सो अभी ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर सभी कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी टैब्स भी दिखाई दे रहे हैं एंड हमें चाहिए कि डॉट टैब कंटेंट जो है वो हाइड हो जाए. ओके, सो यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ हेड सेक्शन में इंटरनल डॉट
tab content should be, sorry, display none. ओके लेकिन कोई एक तो शो होना चाहिए, लाइक फर्स्ट वाला शो होना चाहिए जो एक्टिव. देन कॉपी एंड पेस्ट एंड डिस्प्ले ब्लॉक. व्हाई? क्योंकि जो भी टैब कंटेंट एक्टिव होगा वो डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए. ओके सो दिस इज टैब कंटेंट 01 एंड दिस ब्लॉक इज डिस्प्ले ब्लॉक एंड बाकी जो है वो डिस्प्ले नन है. ओके एंड नाउ अब हम चाहें तो इसे थोड़ी स्टाइल दे सकते हैं, तो चलिए मैं इसे थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ. सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइल्स लिख दी हैं एंकर टैग के लिए, एंकर टैग के एक्टिव होने पर, एंड टैब कंटेंट की मैक्स विड्थ जो है वो फिक्स कर दी है. एंड अब ये इस तरह दिखाई दे रहा है. ओके जो एक्टिव है वो ब्लैक है एंड बाकी जो है वो वाइट है बैकग्राउंड वाइज. एंड इसकी मैक्स विड्थ जो है 500 पिक्सल है, तो हमें यहाँ पर एक टैब वाइज शोकेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ओके सो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें चाहिए कि जब टैब 2 पर क्लिक हो तो टैब 2 का कंटेंट दिखाई दे, टैब 3 का कंटेंट दिखाई दे टैब 3 पर क्लिक करने पर, एंड लाइक दैट फॉर टैब 4. ओके तो अब हमें लिखना है स्क्रिप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट टू राइट स्क्रिप्ट्स नाउ. डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक कॉमा. सो डॉक्यूमेंट डॉट मतलब डॉक्यूमेंट हमारे एचटीएमएल पेज पर क्लिक करने पर, कहाँ पर क्लिक करने पर, नेव डॉट मल्टी टैब्स में एंकर टैग पर क्लिक करने पर. सो नेव डॉट मल्टी टैब्स के डायरेक्ट चाइल्ड एंकर पर क्लिक करने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. ओके एंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है. सो अलर्ट 1. सो मैं क्लिक करता हूँ एंड अलर्ट हो रहा है, लेट्स गुड. क्लिक करता हूँ एंड अलर्ट हो रहा है. सो नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरह लिखना है पहले, उसके बाद आपको कोड करना है ताकि आप जेक्वेरी को और ज़्यादा आसानी से समझ पाएँ. ओके सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है एंड आई एम वेटिंग फॉर यू नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन मेक द स्ट्रक्चर एंड अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक लगा के देखिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि हम किस तरह इसे प्रोसेस कर रहे हैं. ओके किस तरह हम जेक्वेरी कोड लिख रहे हैं टैब बनाने के लिए. सो इस वीडियो में इतना ही, बट वेटिंग फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी कोडिंग गाइज़.